हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फेक जीपीएस स्पूफिंग के बारे में। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जीपीएस की लोकेशन को हम अलग लोकेशन पे शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन कोई आपको ट्रैक और ट्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसे आपकी लोकेशन दिखाई देगी दिल्ली के बाहर, यानी कि जहां भी आप सेट करेंगे। हो सकता है वो आप मुंबई में कर सकते हैं, भारत के किसी भी शहर में कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री US, UK, जापान, चाइना एट्सेट्रा, कहीं भी आप अपनी लोकेशन को सेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई आपको ट्रैक और ट्रेस करने की कोशिश करेगा, उस सिचुएशन में आपकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल अलग से दिखाई देगी, यानी कि जहां आपने सेट किया आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो किसी को दिखाई नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि स्पूफिंग, हैकिंग, इलीगल तरीके से करना गलत है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हैकिंग की जाती है वो इलीगल है और हैकिंग एक क्राइम है। तो आप किसी को नुकसान पहुंचाने के तरीके से ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आपको उसका भुगतान करना पड़े। फॉर एग्जांपल, आप समझ ही गए होंगे कि हैकिंग बहुत बड़े क्राइम्स में से है और इसके लिए सज़ा 5 साल, 10 साल, 15, 20 और इससे भी ज़्यादा तक भी हो सकती है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, एक हैकर्स को लगभग लगभग 500 ईयर्स का प्रिजन हुआ था। ये मजाक नहीं है, दैट इज़ ट्रूथ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप हैकिंग ना करें, सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस और उन चीज़ों को समझने के लिए कि वो चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह से काम करते हैं। एक एथिकल जो हैकर्स होता है उनको ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं ताकि आपको हैकर्स के काम करने के तरीके को समझ सकें और उन्हें आसानी से पकड़ सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फेक जीपीएस लोकेशन के बारे में कि फेक जीपीएस लोकेशन कैसे सेट की जाती है। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल है जो एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं। एथिकल हैकिंग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग सीरीज़ बनी हुई हैं। इन सब के साथ साथ एथिकल हैकिंग के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के अंदर दी गई है। काली लिनक्स, मोबाइल हैकिंग और भी बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ कि किस तरह से अपनी जो जीपीएस लोकेशन है उसे हम अलग सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले जीपीएस लोकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज़ हमें ये फेक जीपीएस लोकेशन सेट करनी है। उन सब के बाद हम बात करेंगे एक ऐप की, जिसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे बहुत सारी ऐप हैं, आप कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं फेक जीपीएस के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं फेक जीपीएस जो ऐप है उससे। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे एक ऐप है जो कि मैंने पहले से ही इंस्टॉल की हुई है, फेक जीपीएस। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, वैसे आपको ये इंस्टॉल करना है, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ये ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद आपको जाना है ओपन सेटिंग्स में। फ्रेंड्स, ओपन सेटिंग्स में जाने का मतलब है कि फ़ोन के अंदर, सभी ज़्यादातर जो एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उन सभी के अंदर एक ऑप्शन होता है अलाउ मोक लोकेशंस। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि जो आपकी लोकेशन है, जो फेक लोकेशन आप सेट कर रहे हैं, वो आप यहां से कर सकते हैं। तो एक डिफरेंट लोकेशन आपको शो करेगा, इस ऑप्शन को आपको अलाउ करना है। ये ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोकेशन पहले से सेट की हुई है। मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और अपनी मर्ज़ी से इसे हम कहीं भी सेट करते हैं। तो देखते हैं वेयर वी आर डूइंग टू दिस। मैंने इसे जूम आउट कर दिया है ताकि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएं और किस तरह से हम काम कर रहे हैं वो चीज़ें भी थोड़ा क्लियर हों। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड का मैप आपको शो कर रहा है। आप जिस भी जगह अपने आपकी जो लोकेशन को शो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्राज़ील, तो मैंने ब्राज़ील के अंदर अपनी जो लोकेशन है वो सेट कर दी है और ब्राज़ील के अंदर स्टेट ऑफ अमेजोन्स के अंदर मैं गया हूँ। आप जूम करके एग्जैक्ट लोकेशन के रूप में भी जहाँ भी चाहें वहाँ ऐसे सेट कर सकते हैं। इसमें जूमिंग कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि आप प्लस सिंबल से भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे एकदम जूम कर रहा हूँ और आपने देखा होगा कि ब्राज़ील के अंदर हमने इसे सेट किया था। तो यहाँ पे एक है पायरिनी, तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, इसे आपको क्लिक करना है। मैंने इसे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद तो इसमें स्टार्ट्स के लिए बोला गया है, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है।
तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लोकेशन है जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ये आपको शो कर रहा है। लैटिट्यूड में -3, लॉन्जिट्यूड में -63, ये फ्रेंड्स हमारी मेन जो लोकेशन है उसके बारे में हमें बता रहा है। तो मैंने ये सेट कर दिया है। इसके बाद अब हम इसे देखेंगे मैप के अंदर। जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया था, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे कि लॉस्ट फ़ोन की या फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो मैं उसी के ज़रिए आपको इसकी लोकेशन शो करता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है गूगल, और यहाँ पे आप फाइंड भी कर सकते हैं, आई एम सर्चिंग google.com। तो फ्रेंड्स गूगल पे आपको जाना, आप ये कंप्यूटर के ज़रिए भी कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं तो आपको मोबाइल में शो ऑफ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ये चीज़ें कंप्यूटर के ज़रिए सर्च करेंगे तो आपकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल वही दिखाएगा जो आपने यहाँ पर सेट किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लास्ट टाइम मैं एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर के बारे में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए जो आपकी डिवाइस को लोकेट करने में हेल्प करता है, उसकी पोजीशन। तो फ्रेंड्स इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये जो वेबसाइट है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर गूगल, इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं फ़ोन की जो लोकेशन है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर के अंदर ओपन हो रही है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये कॉन्टैक्टिंग योर डिवाइस दिखा रहा है। तो बस थोड़ा सा टाइम तो लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसे रिफ़्रेश करना है, लोकेशन को ट्रैक करना है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, इसका जो इस्तेमाल है आप अपनी फेक लोकेशन दिखाने के लिए कर सकते हैं, जस्ट फॉर फन, और बहुत काफ़ी सारे पर्पज़ के लिए हम इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और इससे आप समझ गए होंगे कि फेक जीपीएस लोकेशन वाला जो ऑप्शन है वो किस तरह से काम करता है। इसमें जो टाइमिंग्स है वो आपको शो कर रहा है, अभी इसमें लोकेशन थोड़ा क्लियरली आने में टाइमिंग लग रहा है। वैसे तो लोकेशन जो है वो शो कर दी है यहाँ पर, बट वी हैव टू वेट। आप देख सकते हैं ये लोकेशन कहाँ की है, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि वो चीज़ और क्लियर हो। तो यहाँ हम मैप अभी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आई विल जूम आउट इट। तो फ्रेंड्स आप देखिए जो लोकेशन हमने सेट की थी बिल्कुल वहीं आ रहा है, पायोरिनी, यही हमने लास्ट टाइम सेट किया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं द एग्जैक्ट लोकेशन इज़ शोइंग हियर, ये जो है हमने पायोरिनी ही सेट किया था, और जो कि है, मैं आपको और थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ें और क्लियर हों। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप सो ये सारा जो टॉपिक है आपकी समझ में आ गया होगा। जो लोकेशन हमने जहाँ, ये देखिए स्टेट ऑफ अमेजोन से यहाँ पे शो कर रहा है, और हमने पायोरिनी सेट किया था वो वहाँ पे एग्जैक्टली वही शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल जो हमारी लोकेशन है वो अभी आ रही है स्टेट ऑफ अमेजोन के अंदर पायोरिनी में, जो हमने सेट किया था। लेकिन अगर मैं इस फेक जीपीएस लोकेशन वाला जो ऑप्शन, अगर मैं इसे पॉज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑप्शन आ रहा है फेक जीपीएस, आप इसे बंद भी कर सकते हैं, ये जो साइड में सिंबल आ रहा है पॉज करने का। तो इस जैसे ही आप इसे पॉज कर देंगे तो आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो शो होगी। होप सो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा जो चैनल है टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स, जहां आपको मिलेंगे काफ़ी बेहतरीन एथिकल हैकिंग से जुड़े हुए वीडियोस। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।